Why is viviparity an undesirable character for animal crop plant? It reduces the vigor of the plant. It adversely affects the fertility of the plant. The seed exhibit long dormancy. The seed cannot be stored under normal condition for the next session. ठीक है, तो बात यह है कि देखो हमारे पास विविपेरी में क्या होता है कि हमारे पास जो लीफ में ही हमारे पास जो सीड है उसको जर्मिनेशन हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा मैनग्रोव प्लांट में देखने को मिलते हैं राइजोफोरा में, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, नीचे वाला जो कंडीशन है वो हमारे पास हेलोफाइट्स होते हैं, ये राइजोफोरा जो होता है हेलोफाइट्स होता है, मतलब सॉल्टी है जमीन वाला पानी, जो पानी है जो सॉल्टी है। अगर यहाँ पे सीड गिरा तो सीड क्या हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा, सारा पानी निकल के भग जाएगा तो मर जाएगा यार, तो सीड तो एग्जैक्ट नहीं रह सकते जमीन पे। तो क्या करता है उसको लीफ में क्या करता है, ये जर्मिनेट करता है पहले से, लीड को थोड़ा जर्मिनेट करता है इस प्लांट को, फिर पानी में जाता है तो ये जर्मिनेट कर जाता है, फिर ये ग्रो कर जाता है। तो ऐसे ही होता है वहाँ पे। तो विविपेरी मतलब जैसे हमारे पास ह्यूमन होता है ना, विविपेरी मतलब यंग वंस का बर्थ, उसी प्रकार सीड जर्मिनेट होकर बर्थ हो रहा है तो हमने बोला विविपेरी। तो इसमें सीड बन नहीं रहा, सीड मतलब तुरंत जो सीड जर्मिनेट होकर जमीन में गिरेगा, तो यहाँ पे जैसे धान होता है, धान में तो क्या करते सीड को रखते हैं, फिर उसको बहुत समय तक एक दो साल के बाद भी इसको उगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उगा नहीं सकते, डायरेक्ट जैसे ही सीड बना उसको उगाना पड़ेगा, बाद में उगाने का कोई चांसेस नहीं है। अ सीड कैन नॉट बी स्टोर्ड अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर द नेक्स्ट सेशन, यस यही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्योंकि है ना अनडिजायरेबल क्यों है, यहाँ पे इसको स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए अनडिजायरेबल मतलब फायदे का नहीं है ये। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द एग ऑफ द जिम्नोस्पर्म इज 10, अगर एग में मतलब हैप्लॉइड है, एन मतलब है ना 10 दिया है, देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द एंडोस्पर्म, ठीक है जिम्नोस्पर्म की बात करें, जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, तो हमारे पास हैप्लॉइड एंडोस्पर्म का एंडोस्पर्म का बोला है तो कितना हो जाएगा, ब्लडी हो जाएगा एन, और हमारे पास जो क्रोमोसोम 10। ये देखो क्वेश्चन किस बात कर लेते हैं, यंग मेरिस्टेम सेल ऑफ लीफ एंड स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म है 16 क्रोमोसोम, मतलब मेरिस्टेम 12 बराबर 16 दे दिया है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एंडोस्पर्म ऑफ द सेम जिम्नोस्पर्म शैल बी, तो फिर से एंडोस्पर्म की बात की तो एंडोस्पर्म आधा कर दो, 2n बराबर 16 दिया, 10 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा अपने पास, 8 हो जाएगा अपने पास आंसर MP PMT 2013 का क्वेश्चन। तो ये हुआ अपने पास नेक्स्ट। ओके मैच द फॉलोइंग, मैग्नीशियम के बिल्कुल क्लोरोफिल के सेंटर टर्म में क्या बात है, क्लोरोफिल के सेंटर टर्म क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोरोफिल ए में क्या हो रहा है, देखो सेकेंड फाइटल रिंग सेकेंड पॉरफायरिन रिंग में हमारे पास है ना, देखो यहाँ पे CH3 पाया जा रहा है क्लोरोफिल ए में, और क्लोरोफिल बी में यहाँ पे CHO पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो बी में CHO कहाँ पे है, बी में है, CHO कहाँ पे है, बी में है ना, HB। और फॉस्फोरस ATP में फॉस्फोरस है, बिल्कुल ATP में फॉस्फोरस है, तो यहाँ पास ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, और अल्कोहल डिहाइड्रेशन जिंक है, मॉलिब्डेनम नाइट्रोजिनस, ठीक है सनसाइडन लिखा है साफ साफ, ठीक है ना। तो हमारे पास लिखते हैं, देखो हमको बोला है जिंक इज द एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनस एंड मॉलिब्डेनम इज द एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजिनस, ठीक है। तो जिंक इज द एक्टिवेटर ऑफ, तो सबका 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, ये वाला जाएगा अपने पास ऑप्शन। Find out the correct order of vegetative propagules in the following plant respectively, ठीक है ना, vegetative propagules का ऑर्डर बताना है अपने को। देखो तो हमारे पास ये है, अपने पास पोटेटो में है आई, पोटेटो में है आई, ठीक है ना, पोटेटो में है आई, और जिंजर में है राइजोम, जिंजर में क्या है राइजोम, ठीक है ना। जिंजर है उसमें राइजोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागुल्स होते हैं। ब्रायोफिला में देखो, ब्रायोफिला में हमारे पास लीफ बर्ड्स हैं, ब्रायोफिला में लीफ बर्ड्स 76 बर्ड, ठीक है ना। और वाटर हाइसिंथ आइकोनिया क्रेसिपिस में अपने पास ऑफसेट है, वो ऑफसेट है, ठीक है ना। तो ऑफसेट हो गया मैं, ठीक है ना, आई राइजोम लीफ बर्ड ऑफसेट। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन फ्रॉम CO2 इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू, ठीक है ना। अगर हमने बात किया फोटोसिंथेसिस के समय जो ऑक्सीजन होता है CO2 का वो किसमें इनकॉर्पोरेट होता है, देखो जो ऑक्सीजन होता है CO2 का वो किसमें इनकॉर्पोरेट होता है, इट इज इनकॉर्पोरेट इनटू कार्बोहाइड्रेट, ये जो होता है ना। और पानी का जो ऑक्सीजन होता है ना वो किसमें यूज होता है, O2 की फॉर्म में, ठीक है ना। इसको किसने बताया था, इसको भी एक्सपेरिमेंटली किसी ने बताया था, ठीक है ना, बताया था किसने बताया, छोड़ो ऐसा काम नहीं आना इसको, है ना। तो हमारे पास इसको बताया था वॉन नील ने, ठीक है ना, वॉन नील ने बताया था, है ना, इन्होंने तो नहीं बताया था एग्जैक्ट, रूबेन हसीदन कामन ने बताया था। तो ये तो हमारे पास क्या है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट था वॉन नील ने, बोला कि देखो भाई एक्सपेरिमेंट करके, इसने नहीं बताया, इसने बोला कि देखो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जो है इतना तो है कि है ना, पानी से ऑक्सीजन नहीं निकल, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं आ रहा, इतना तो फिक्स्ड है, इसने बस इतना बता दिया।
इसने एक्सपेरिमेंट किया था पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, किसने? वॉन नील ने। इसको प्रूव किया था रूबेन हासिडन कामेन के एक्सपेरिमेंट ने, ठीक है ना। ओके, O18 का इस्तेमाल किया था, O18 का रेडिएटिव आइसोटोप है O18, इसका इस्तेमाल करके बताया था कि पानी से वाटर ऑक्सीजन आता है, ठीक है ना। तो हमने बोला है जो CO2 का जो O2 है वो कार्बोहाइड्रेट में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट बनाने में काम आता है, ठीक है ना। चलो, इन क्रैब्स साइकिल द एफिडिक परसिपिटेट एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ, है ना, एफिडी बन जाता है किसके कन्वर्जन में, जब सक्सीनेट जो होता है वो फ्यूरेट में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास FeDH2 का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सीनाइल सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज, जो कि कैसा है, मार्कर एंजाइम, जो कि इंटर माइटोकॉन्ड्रियल में धंसा हुआ है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल में धंसा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, दोनों में काम आता है ये, ETS में भी काम आता है, ETS का भी काम आता है एंड क्रैब साइकिल में भी काम आता है सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज। और FED बनेगा ड्यूरिंग सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनने में, है ना। व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन सॉल्यूशन X हैज वाटर पोटेंशियल -12 एंड सॉल्यूशन Z हैज -8 इज सेपरेटेड बाय सेमी पेरमियबल। देखो, पानी हमेशा साइन डब्ल्यू ज्यादा से साइन डब्ल्यू कम तक जाता है, तो साइन डब्ल्यू ज्यादा किसका है, इसका है, -8 का है, तो -8 मतलब Z से X तक। बायोस्फीयर रिजर्व आर डिफरेंट फ्रॉम नेशनल पार्क। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में बस यही डिफरेंस, दोनों इन सिटू है, लेकिन नेशनल पार्क में कोई भी मैन का इंटरवेंशन अलाउड नहीं है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में मतलब मैन जो होते हैं ना, नेशनल पार्क का जो इंटीग्रल पार्ट नहीं होते, लेकिन ह्यूमंस आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना, ह्यूमंस आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, बट नेशनल पार्क में ऐसा नहीं होता, है ना। प्लांट एनिमल ऑपरेटेड इन बायोस्फीयर रिजर्व, दोनों में प्लांट एनिमल रिजर्व करते हैं, ठीक है ना। इन प्लाज्मिड PUC डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज डिस्कवर्ड, ठीक है ना। पी प्लाज्मिड से आया था, यूसी मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, द प्लेस वेयर इट इज डिस्कवर्ड। इफ 30 किलोजूल एनर्जी इज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, देन हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू लायन इन द फूड चेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे 20 किलो जूल, तो उसका 10% जाएगा किसके पास, डियर के पास, 10% 2 हो जाएगा, और इसका 10% लायन के पास जाएगा, जिसका 0.2 है, लायन के पास जाएगा 0.2, ठीक है ना, 10% लिंडा में 10% और 90% लॉस हो जाता है, 10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाता है। विच प्लांट इज जनरली नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हैसिन को दैट इज आइकोनिया क्रासिपिस इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। अपने पास देखो, है ना, अपने पास अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व, अपने पास अभी करंटली 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, और 19 नेशनल पार्क थे वो बढ़ चुके हैं, लेकिन 19 नेशनल पार्क हैं, याद कर लेते हैं ये, लेकिन अगर यहाँ पे डाटा भी आया तो बड़ा वाला आएगा, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो बढ़ चुके हैं थोड़ी मोड़ी, ठीक है ना, देख लेंगे बाद में, डाटा बात करेंगे बाद में, ठीक है ना। कॉल टेरर ऑफ बंगाल दे ग्रो ऑन, ठीक है ना, ठीक है ना। टेरर ऑफ बंगाल इसको बोलते हैं आइकॉनिया क्रेसिपिस। देखो, ये आइकॉनिया क्रेसिपिस जो है क्या है, वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड, ठीक है ना। ये हो गया आइकॉनिया क्रेसिपिस, जो कि टेरर ऑफ बंगाल है, बंगाल में फेमाइन आया था, इसकी वजह से महामारी आ गई थी। वर्ल्ड प्लांट इज आइकॉनिया क्रेसिपिस। ऑपेरियन थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन वॉज रिटन इन द बुक दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ, इनका बुक था ओपेरियन हेल्डन का, उसमें क्या दिया, थ्योरी दी थी। ओपेरियन कहाँ का था, ये हेल्डन कहाँ का था, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। देखो, ओपेरियन फ्रॉम रशिया एंड हेल्डन फ्रॉम इंग्लैंड, OR, और ओपेरियन फ्रॉम रशिया, ओके। तो ये हो जाएगा ओरिजिन ऑफ लाइफ में बताया था इन्होंने, ठीक है ना। फिलोसॉफी ऑफ जूलॉजी का लेमार्क की बुक है, किसकी बुक है, लेमार्क की बुक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डार्विन की बुक है, ठीक है ना। बैकेलो वायरस बेस इंसेक्टिसाइड हैज बीन फाउंड टू एलिमिनेट एन आर्थोपोड्स एंड इंसेक्ट। देखो, हमारे पास दिखा है, बैकेलो वायरस आर पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट एंड आर्थोपोड्स, ठीक है। और इंपॉर्टेंट, दे आर नैरो स्पेक्ट्रम, दे हैव द नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एजेंट, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, मतलब एक ही स्पीसीज को, देखो हमको एक ही स्पीसीज कीड़े को मारना हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बैकेलो वायरस, ठीक है ना, क्योंकि एक ही स्पीसीज को मारते हैं, बिकॉज दे आर स्पीसीज स्पेसिफिक दिया है। और ये नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, मतलब कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जिनको हमको मारना है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
विच द फॉलोइंग प्रोटीन हेल्प इन होल्डिंग डीएनए टुगेदर इन यूकैरियोट, है ना। तो हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट में काम आते हैं और प्रोकैरियोट में पॉलीअमीन्स काम आते हैं। हिस्टोन प्रोटीन आर पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स बिकॉज देयर आर्जिन एंड लाइसिन रिच, ठीक है ना। ओके तो ये हिस्टोन प्रोटीन, देखो हिस्टोन प्रोटीन हो गए, तो हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन हो गए। द इंटर डिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड पॉलिनेटिंग इंसेक्ट टुगेदर नोन एज, देखो जब इंसेक्ट चेंज होगा है ना, तो इंटर इंटरेक्शन, देखो इंसेक्ट और अगर फ्लावरिंग प्लांट के बीच में इंटर डिपेंडेंट रिलेशनशिप क्या बोलूंगा, म्यूचुअलिज्म, या फिर यहाँ पे कोवेलेशन देखने को मिलता है, को एक्सटेंशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। साथ साथ जीते हैं साथ साथ मरते हैं, ठीक है। म्यूचुअलिज्म, व्हेन क्लोजली प्लेस जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम आर इनहेरिट टुगेदर द फिनोमेना इज कॉल्ड एज लिंकेज, है ना। द टेंडेंसी ऑफ जीन टू इनहेरिट इन अ ग्रुप इज नोन एज लिंकेज, ठीक है ना। लिंकेज का फिनोमेना यही है, लिंकेज का फिनोमेना यही है ना। एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज लिंकेज। Seed offers several, advantages to angiosperm. One of them is that seed formation is dependable. देखो, NCERT ने बहुत अच्छे से साइन को बताया है। Seed formation dependable है, लेकिन जो fertilization है और pollination is not water dependable. And being product of sexual reproduction, they generate. नहीं, सिंपल सी बात है, NCERT की लाइन सिंपल से उठ किया है, हमको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। NCERT की लाइन ज़्यादा दिमाग में लगाना अपने को। Pollination, fertilization जो है water पे dependent है, लेकिन सीड का फॉर्मेशन है ना, सॉरी जो पॉलिनेशन है और फर्टिलाइजेशन है एंजियोस्पर्म में, ज़्यादातर वो पानी पे डिपेंड नहीं होता। लेकिन हमने बोला सीड का डिपेंडेंस, सीड का फॉर्मेशन वाटर पे डिपेंड करेगा, सीड का फॉर्मेशन वाटर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, है ना। इसीलिए तो हमने बोला डिपेंडेबल बना दिया सीड को, पानी के डिपेंडेबल बना दिया। पानी हाइड्रेशन है ना, हाइड्रेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्योंकि डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए हमको पानी चाहिए, ठीक है ना। तो डिपेंडेबल हो गया सीड फॉर्मेशन, सीड जो है ना वो डिपेंडेबल है पानी पे। बींग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट गर्थ है, गर्थ दे बिल्कुल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन आर डिपेंडेंट ऑफ वाटर। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, ऐसे क्वेश्चन में क्या होना था, ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन को नहीं पढ़ना होता, ऐसे क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपको एनसीईआरटी में पढ़ा वही लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सब पढ़ेंगे कन्फ्यूज रहेंगे और गलत हो जाएगा। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन एंड रिलीज ऑफ न्यू कल्टीवार्स, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, हमने बोला पहले तो क्या करते हैं लैब में ग्रो करते हैं, फिर कहाँ करेंगे, फील्ड में, फिर फील्ड के चेक करके देखेंगे, फील्ड में चेक करके देखेंगे, रिसर्च फील्ड में चेक करके देखेंगे, फिर कहाँ पे इसको टेस्टिंग करके इसको मार्केट कर देंगे, टेस्ट करके मार्केट कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले लैब में, है ना, डिफरेंट एग्रोकेमिकल नहीं, पहले तो लैब में रिसर्च फील्ड मतलब लैब, ठीक है। तो पहला दूसरा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, एग्रोक्लाइमेटिक फील्ड, एग्रोक्लाइमेटिक जोन है ना, उसी है ना, उसी प्लांट का पहले फील्ड में टेस्ट करेंगे, लैब में चेक करेंगे, फिर फील्ड में जाके चेक करेंगे, फिर कहाँ पे रिलीज करेंगे, इम्प्रूव अंडर न्यू नेम्स, ठीक है ना, फिर इसको रिलीज करेंगे। नहीं तो बिना लेबोरेटरी में ग्रो किए, बिना है ना एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो किए इसको रिलीज नहीं करते। तो पहले तो 2, फिर 1, फिर 3। व्हाट इज ट्रू अबाउट क्यूटिकल इन प्लांट, ठीक है ना। क्यूटिकल जो होते हैं, कल भी ऐसे क्वेश्चन आया था, क्यूटिकल्स आर एब्सेंट इन रूट्स, क्यूटिकल कहाँ नहीं पाए जाते, रूट्स में पाए नहीं जाते, तो क्यूटिकल आर एब्सेंट इन रूट्स, ये सही हो जाएगा अपने पास तीसरा ऑप्शन। इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड टू ग्राउंड टिश्यू, नहीं ग्राउंड टिश्यू एसोसिएटेड नहीं होता, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड टू एपिडर्मल टिश्यू, यस एपिडर्मल टिश्यू से ही एसोसिएटेड होता ही है, इट इज एसोसिएटेड एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है ना। क्यूटिकल देयर ऑफन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद वैक्सिक्यूलेंस कॉल्ड क्यूटिकल, ठीक है, तो ये एपिडर्मिस से एसोसिएटेड होता है। तो ये सी बोथ आर करेक्ट। डायग्नोस्टिक ट्रेड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैबेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली देखनी है तो वैक्सिलरी एस्टाइवेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, पैपिलोनेसिस कोरोला, ये रहा वैक्सिलरी एस्टाइवेशन या फिर पैपिलोनेसिस कोरोला, ये कोरोला जो है वैक्सिलरी है या फिर पैपिलोनेसिस कोरोला आर द एग्जांपल ऑफ, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फैबेसी फैमिली पता लगाना था, वैक्सिलरी एस्टाइवेशन देख लो और है ना जिसको पैपिलोनेसिस कोरोला बोलते हैं, पैपिलोनेसिस कोरोला दिख रहा है तो हमारे पास ये कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है, फैबेसी से बिलोंग करता है ये, ठीक है ना, बिल्कुल कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये फैबेसी से बिलोंग करता है। डायग्राम विलो शो थ्री प्लांट विथ आइडेंटिकल लीफ सरफेस,
ठीक है ना, थ्री प्लांट विद आइडेंटिकल लीफ सरफेस, द डायग्राम बिलो शो थ्री प्लांट विद आइडेंटिकल लीफ सरफेस, ठीक है ना, एज्यूमिंग ऑल अदर कंडीशन वे आइडेंटिकल फॉर ऑल द थ्री प्लांट, विच द प्लांट वुड लाइकली टू फोटोसिंथेसाइज स्लोएस्ट एंड द फास्टेस्ट, सबसे फास्ट कौन ग्रो करेगा, सबसे फास्ट वो ग्रो करेगा जिसमें देखो सबसे स्लोएस्ट सब होता है ग्रीन लाइट, क्योंकि ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सबसे कम कहाँ पे होगा स्लो सबसे जेड में होगा, और सबसे फास्टेस्ट कहाँ होगा रेड में, क्योंकि हमने पास बताया जो फ्रैक्शन स्पेक्ट्रम होता है फोटोसिंथेसिस का वो क्या होता है ब्लू रेड ब्लू ग्रीन सॉरी ब्लू और ब्लू और रेड होता है, एक्सन स्पेक्ट्रम जो होता है फोटोसिंथेसिस का क्या होता है ब्लू और रेड में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हमें देखने को मिलता है, तो रेड में क्या हो जाएगा फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा अपने पास वाई जेड वाई जेड वाई ब्लूएस्ट इन जेड एंड फास्टेस्ट इन वाई जेड वाई जेड वाई जेड वाई जेड वाई जेड वाई जेड वाई, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोल्टिंग, बोल्टिंग का मतलब इंटरनल एलॉन्गेशन प्रायर टू फ्लावरिंग, ऐसा मैंने नहीं बोला एनसेटी ने बोला है, देखो हमने बोला व्हाट इज बोल्टिंग, बोल्टिंग किसे कहा हमें जिबेलिन का है ना, इंटरनल एलॉन्गेशन प्रायर टू फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के पहले, ठीक है ना, इससे क्या कर सकते हैं ये शुगर केन की जो है ना शुगर केन का जो यील्ड है उसको 20% 20 टन पर एकड़ तक बढ़ा सकता है ये, ओके। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इन करेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, हमने बोला इन वॉल्वैक सेवरल इन वॉल्वैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ वन लार्ज स्टैटिक मेल गैमेट, नो हमने बोला देखो सर हमारे पास जो वॉल्वैक्स और फ्यूकस है, वॉल्वैक्स और फ्यूकस वेरी फाइन, दे आर ऊगैमस में जो फीमेल होगी वो बड़ी होगी और वो नॉन मोटाइल होगी, ठीक है ना, तो यहाँ पे मेल को बड़ा होगा और मोटाइल नॉन मोटाइल होगा बोल रहा है, गलत हो गया। इन स्पायरोगैरा फ्यूजिंग गैमेट आर नॉन फ्लैजिलेटेड एंड बी सिमिलर इन साइज, नहीं ये सिमिलर होते हैं, स्पायरोगैरा में सिमिलर इन साइज होते हैं और दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। यूरेथ्रेक्स फ्यूजिंग गैमेट आर फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, मतलब आइसोगैमस एंड फ्लैजिलेटेड, सही बात है। इन फ्यूगस मेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल, वेयर एज मेल गैमेट है ना है ना, इन फ्यूगस फीमेल गैमेट जो है लार्ज एंड नॉन मोटाइल और मेल गैमेट है स्मॉल मोटाइल, सही बात है। तो 3 and 4 स्क्वायर देखो, 3 and 4 स्क्वायर देखिए, यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, हमारे पास वेरी फाइन ट्रिक है, ठीक है ना, एनसीईआरटी ने नया एग्जांपल जोड़ा है यूडोरिना, यूडोरिना जो है वो एक एन आइसोगैमस टाइप ऑफ रिडक्शन शो करता है, एन आइसोगैमस मतलब ठीक है ना, दोनों डिसिमिलर है और साइज सेम है, डिसिमिलर इन साइज, ठीक है ना। तो हमारे पास आइसोगैमस में देखो फ्लैजिलेटेड होता है फ्लैजिलेटेड यूरेथ्रिक्स में और नॉन फ्लैजिलेटेड स्पायरोगैरा में, ये इंपॉर्टेंट है, नॉन फ्लैजिलेटेड कहाँ पाया था स्पायरोगैरा में, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। इन द एनिमल सेल आर सस्पेंडेड इन अ कल्चर मीडियम दैट कंटेन एक्सेस ग्लूकोज, द ग्राफ बिलो शो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन अंडर डिफरेंट ग्रोथ कंडीशन, तो एक्स में तो सबसे कम है, एटीपी सबसे कम बना है, तो यहाँ पे तो ये एनएरोबिक होगा, तो यहाँ पे सिर्फ ग्लाइकोलिसिस चलेगा मतलब फर्मेंटेशन, तो सबसे कम कहाँ पे एक्स पे, फिर जेड पे चेंज हो रहा है ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन मिल रहा है जेड वाई पे ऑक्सीजन मिल रहा है और जेड पे एनएरोबिक कंडीशन है, जेड एरोबिक है ना, एक्स एनएरोबिक है, एक्स इज एनएरोबिक इंडक्शन ऑफ O2 इन द कल्चर एंड जेड इज एरोबिक, ठीक है, तो सही है अपने पास। चलो नेक्स्ट, फॉर फ्रुगिवर्स बर्ड एंड मैमल इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट द स्लोप ऑफ द स्पीसीज रिलेशनशिप इज फाउंड टू बी अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना, फॉर फ्रुगिवर्स बर्ड्स एंड एनिमल, फ्रुगिवर्स बर्ड्स एंड एनिमल के लिए जो स्लोप होता है जेड की हमारे पास ये कितना होता है 1.15 होता है, ठीक है ना, ये 1.15 होता है किसके लिए, फ्रुगिवर्स बर्ड्स एंड एनिमल के लिए और मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन दोनों के लिए चीजें, अगर यहाँ पे मैमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की जगह अगर फ्रुगिवर्स बर्ड्स मैमल इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता तो इसके भी आंसर 1.15 ही आता।